Hello students, welcome to my exam solution. So today we have MEG 02 British Drama Solved Assignment 2021. तो आज हम डील करने वाले हैं MEG 2 British Drama के सॉल्व असाइनमेंट के लिए. ये सॉल्व असाइनमेंट बिल्कुल फ्री हैं. जी हाँ, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देने और आंसर जो हैं बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और उन आंसर्स में आपको काफ़ी और चीज़ें की और उन आंसर्स के ज़रिए आपको अपने एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प मिलेगी. जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो. सबसे पहले मैं आपको PDF फाइल दिखा देती हूँ हमारे सॉल्व असाइनमेंट की. तो ये हमारे सॉल्व असाइनमेंट की PDF फाइल है जो कि आप देख सकते हैं. ये हमारा 2020, देखिए ये हमारा 2020 से 2021 के असाइनमेंट है. जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 में हुआ था उनके लिए ये सॉल्व असाइनमेंट है. और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिनका भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है ये असाइनमेंट उनके लिए. इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है सितंबर की, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट डेट से पहले ही असाइनमेंट को जमा करवा दें ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो चलिए हमारे असाइनमेंट शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, वुड यू कॉल द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स हीरोइक? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो इसमें ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई आप डॉक्टर फॉस्टर्स को हीरोइक मानते हो, हीरो के मतलब रूप में आप समझते हो? अगर हाँ तो आपको उसका आंसर का रीज़न देना है. बेसिकली डॉक्टर फॉस्टर्स को फर्स्टली आपको एनालाइज करना है, उसको एक्सप्लेन करना है दैट दिस प्ले जो है इतने लिखा गया था और ये बेसिकली किस चीज़ को दर्शा रहा है. उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स में ही मेनली सेंट्रिक है ये प्ले, तो आपको क्या है उसी में आपको डिस्क्राइब करना है कि भाई जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो किस तरीके से हीरोइक है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, डिस्कस द प्ले विद इन द प्ले इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम. तो आपको इसमें क्या है डिस्कस करना है बेसिकली प्ले का. ये जो प्ले है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, बहुत ही अच्छी मतलब कॉमेडियन प्ले है. कॉमेडियन इन द सेंस कि कॉमेडी और ट्रेजेडी दो तरह के प्ले होते हैं ना, तो उसमें से कॉमेडी प्ले है ये. तो शेक्सपियर ने काफ़ी अच्छे से इसमें दर्शाया है उस तरह की पर्टिकुलर सोसाइटी को और बेसिकली किस तरह से एक लव ट्राइंगल होता है. और इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपको इस प्ले के अंदर भी प्ले देखने को मिलेगा. तो इस पूरे आंसर को आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करना है, लिखना है, उसके बाद आपको ये जो है मतलब ये समझ में आ जाएगा भाई क्या है बेसिकली. वैसे ये प्ले की समरी ऑलरेडी हमने माय एग्जाम पे अवेलेबल करवा रखी है. अगर आपको समरी सुननी है, बहुत ही शॉर्ट समरी है, मैंने ही बनाई थी, तो वो आप पढ़ सकते हैं. बहुत ज़्यादा शॉर्ट है वो समरी. देन नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैमलेट्स सॉलिलोक्यूज इन द प्ले? तो इसमें आपको हैमलेट की सॉलिलोक्यूज को बताना है. तो काफ़ी सारी सॉलिलोक्यूज हैं इस प्ले में, आप वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से. हैमलेट प्ले को अगर आपको समझना है तो आप हमारे इंडियन एक मूवी है हैदर नाम से, तो उस मूवी को देख सकते हैं. अदरवाइज इस प्ले की समरी ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है, तो आप वो भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं. मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप समरी सुनते हैं उसके बाद उसके क्रिटिकल एनालाइजमेंट ज़रूर पढ़ें. समरी को पढ़ने से सिर्फ उस प्ले के बारे में स्टोरी पता चलती है, लेकिन उसको अगर आपको आंसर लिखना है पूरे पर्टिकुलर प्ले का, तो आपको उसको रीड तो करना पड़ेगा. क्रिटिकल एनालाइज करो उसको अच्छे से, उसके कैरेक्टर्स पढ़ो, तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है. सो देन इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एलिजा इन पिग्मेलियन बी टर्म्ड एज फेमिनिस्ट इलाबोरेट? बेसिकली ये जो पूरे आंसर दिए गए हैं इग्नू के द्वारा, उनमें से आप कोई भी 5 आंसर्स चूज कर सकते हो. तो मैंने ये आंसर चूज़ किया, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. तो इसमें आपको पिग्मेलियन में जो फेमिनिस्ट किरदार है एलिजा का, वो बताना है. तो यहाँ पे ये जो प्ले है किसके द्वारा लिखा गया उसके बारे में आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमिक स्ट्रैटेजीज यूज इन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड? तो इसमें आपको कॉमिक स्ट्रैटेजीज को बताना है जो कि द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज की गई है. तो ये मैंने एक्स्ट्रा आंसर दिया गया है, ये मैंने एक्स्ट्रा आंसर दिया है आपको, इनमें से आप 5 ही लिखिए. ओके, तो ये हमारे पास आंसर मिल गया.
सो ये हमारे पास आंसर है, इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं अपने शीट में। तो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना, ये पीडीएफ से। अगर आपको गूगल से भी चाहिए तो गूगल में भी आप सिंपली MEG02 लिखेंगे, ब्रिटिश ड्रामा यहाँ आ गया लिखा हुआ। इसको बस 2021 करना है आपको, क्योंकि अब हमारा जो है 2021 का सेशन है ना, पहले 19-20 का था लेकिन अब 2021 का है। तो ये आप पूरा सेंटेंस लिखिए, MEG02 ब्रिटिश ड्रामा सॉल्व असाइनमेंट 2021, एंटर कीजिएगा। तो जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये जो हमारे सॉल्व असाइनमेंट है 2021, ये 19-20 वाले हैं। ये जो सॉल्व असाइनमेंट है ये 19-20 वाले हैं, ये आपको नहीं जाना इसमें, आपको जाना है इस वाले में जिसमें आपको दिख रहा है 2021 नज़र आ रहा है। ओके, और इसकी आप डेट भी देख सकते हो, 15 जुलाई को ये असाइनमेंट डल चुके हैं। तो आप इस वाले असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस असाइनमेंट में ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियरली मेंशन किया है, आंसर एनी 5 questions, ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 350-400 words। तो आपको इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर से आपको 350-400 words के बीच में लिखने हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये 100 marks का है, तो आपको बेसिकली जो मार्क्स दिए गए हैं वो 20 के हिसाब से दिए गए, मतलब पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो आप माई एग्जाम सॉल्यूशन की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक के लिए ये वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर ग्रुप्स, इग्नू के टीचर्स को शेयर कीजिए, जिसको भी करना है कीजिए, बट कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई ऑल वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।